नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको डिटेल करने जा रहा हूं जो आज अभी जस्ट शासनादेश आया हुआ है निदेशक डायरेक्टर पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा, और ये लेटर लिखा गया सभी जिला पंचायत राज अधिकारी यानी सभी DPRO कार्यालय को उत्तर प्रदेश में जो भी अवस्थित हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे। आपको स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा होगा इसका शासनादेश का जो भी मैं PDF है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दिनांक 25 अगस्त 2021 जस्ट अभी आया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो सभी समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को फॉरवर्ड कर दिया गया है और ये डायरेक्टर पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों पत्र संख्या है 8/693/2021 लखनऊ। दोस्तों विषय क्या है वो बड़ी ही अच्छी चीज है जानने वाली है, वो विषय है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर को निर्गत किए जाने वाले नियुक्ति पत्र के संबंध में। दोस्तों जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था डिटेल में कि क्या प्रोसीजर क्या प्रक्रिया रहने वाली मेरिट लिस्ट बनाए जाने के संबंध में और आने वाले समय में क्या डेट है, क्या अंतिम तिथि है, वो कौन सा दिन है जिस दिन आपका मेरिट आएगा और किस दिन आपकी नियुक्ति पत्र मिलेगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि वीडियो में लिखा हुआ है कि महोदय आप अवगत हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक दिशा निर्देश शासन संख्या 42/2021 जो कि दिनांक 25 जुलाई 2021 द्वारा निर्गत किए गए हैं। ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की समय सारणी के अनुसार दिनांक 8 से 10 सितंबर 2021 के मध्य ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। शासन के निर्देशानुसार चयनित कर्मी का विवरण विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराया जाना है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में मेरिट लिस्ट बनके तैयार हो गई है और 8 से 10 सितंबर को पोर्टल पर आपके उस पोर्टल का मैं आपको लिंक बताता हूँ, वहाँ पर संबंधित कर्मी द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा, वहां जाकर आप लोग अपने ग्राम पंचायत स्तर से जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग आगे चलते हैं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचना साझा कर रहा हूं ये सूचना आपके सभी दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है दोस्तों उक्त के क्रम में चयनित कर्मी का विवरण अपलोड हेतु विभागीय पोर्टल http://52172201/183p-selection के लॉगिन पर वेब फॉर्म ग्राम पंचायत असिस्टेंट एंट्री फॉर्म नाम से विकसित कर दिया गया है। पोर्टल पर विवरण अपलोड हेतु विकास खंड स्तर पर पंचायत निर्वाचन 2020 के कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि चयनित कर्मी का विवरण अपलोड का कार्य विभागीय पोर्टल पर दिनांक 12 सितंबर 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को यानी DPRO को। दोस्तों आप अपने ब्लॉक स्तर पर इसका जानकारी आप उनके सूचना पट से भी ले सकते हैं और ये जो है पत्र जो है वो इतने लोगों को इसकी प्रतिलिपि फॉरवर्ड की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जो सूचना है ये सूचना मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आई हुई है, तो इस सूचना में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है अपने स्तर से मैंने इसको वेरीफाई किया हुआ कि ये सूचना 100% सही है। इस सूचना में आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा जो राजकुमार जी अपर निदेशक प्रशासन पंचायती राज उत्तर प्रदेश, दोस्तों इनके द्वारा ये सूचना जारी किया जा चुकी जो डायरेक्टर हैं पंचायती राज विभाग के, और ये नोटिस जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ग्रुप में घूम रहा है जो आज ही आया हुआ 25 अगस्त को, आपको डेट बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। तो इस डेट पे आपको आज ये मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे दिया हूँ। सभी DPRO उत्तर प्रदेश को ये सूचना पत्र मिल चुका है, तो इसके चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग 8 से 10 सितंबर तक इंतज़ार कीजिए। 8 से 10 सितंबर को आपको आपके ग्राम पंचायत
सचिवालय या ग्राम पंचायत भवन या फिर ब्लॉक स्तर पर डीपीआरओ कार्यालय से आप अपने चयनित होने की या नियुक्ति पत्र पाने की जानकारी हासिल कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी साझा किया हूँ, ये जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली हुई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हुई तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरीके का वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बस आपसे निवेदन, अगर लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।